आज दीपा श्रीवास्तव आपको ओवर शेप से कुछ ड्राइंग बताने जा रहे हैं। तो कई बार बच्चों को ओवर शेप भी बनाना नहीं आता है, सबसे पहले उनको क्या करना है, स्लीपिंग लाइन खिंचवानी है और 1 इंच या 1/2 इंच जितना आपको मोटा ओवल बनाना है उतना आपको लाइन खींचनी है और इसको इस तरफ से मिक्स कर लेना है। इस जगह से लाना है, इसको ऐसे लेके इसको मिक्स करना है, इधर से ऐसे लेके आना है, इसको ऐसे मिक्स कर देना है, तो ओवल शेप आपका बन जाता है। अभी ओवल शेप से क्या होता है, ओवल हमने तो ऐसे बना लिया, ओवल पॉट बनाना है तो नेक बनाएंगे, इसको पैक करेंगे, इजी वाला है नर्सरी और फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों के लिए। और बड़े क्लास में क्या होता है, बिल्कुल इक्वल नापना पड़ता है, मिडिल से लाइन खींच करके सेम साइज़ लेनी पड़ती है। पर अभी ये छोटे बच्चे फ्री हैंड होते हैं, पी फॉर पॉट, जी फॉर क्लास, इस टाइप से कुछ करना पड़ता है। ओवल शेप बनवाना उनसे, ओवल बना लिया, दो लाइन खींचनी है, इस टाइप से स्लैंटिंग लाइन खींचवानी है, हल्की सी कर्व करना है, जी फॉर ग्लास, पी फॉर पॉट, आईज बनाना, ये आईज हो गई, ये देखिए आई हो गया, इससे इसमें आईब्रोज करा दीजिए, देखो ओवल शेप से पॉट ग्लास ओवल शेप बनाया हमने, हल्का छोटा सा कर्व लिया हल्का सा, उसको पैक किया और ये आपका कप बन गया, सी फॉर कप, ओवल शेप बनाया, हल्का कर्व किया, ये आपकी कढ़ाई बन गई, दो लाइन सेम सेम आगे आगे खींचनी है आपको, कढ़ाई बन गई, ओवल शेप बनाया, हल्का सा कर्व किया, बी फॉर बास्केट बन गया, इसकी डबल लाइन ऐसे करवानी है बच्चों से, इस जगह पे डॉट करके इसको ऐसे जोड़ना है, ये ऐसे जा करके अंदर मुड़ करके ऐसे आ जाएगा, ये बास्केट बन गया। ओवल शेप बनवाना है आपको, स्टैंडिंग लाइन दो खींचनी है, इसको हल्का कर्व से पैक करना है, इस जगह दो लाइन डॉट लगा करके ये हैंडल हो गई चाय की। ओवल शेप से बॉक्स, डब्बे, घर के कटोरी, चम्मच, स्पून, ये देखिए ओवल से बनाया, हल्का कर्व किया, इस जगह से लिया ऊपर तक लाइन गई, ये देखिए सूप बन गया। तो ओवल शेप बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिस कराइए, ओवल शेप बना दिया, दो लाइन खींच दीजिए, पॉट बन गया, ये प्लांट वाला पॉट है, ये मटके वाला पॉट, पानी भरने वाला पॉट है, ठीक है। ओवल शेप बनाया, लंबी नेक बनाई, कर्व से पैक करना है, दो स्लेंटिंग लाइन खींच देनी है आपको, वापस पैक करना है, फिर हल्की अंदर दबी भी स्लेंटिंग लाइन खींचनी है, इसको पैक करना है, ये सुराही बन गई, पॉट बन गया। तो ये आपको फ्लावर पॉट, स्पून, कटोरियाँ सब में ये ओवल शेप बहुत काम आता है। तो आप लोग ओवल शेप की प्रैक्टिस कराइए, ओवल शेप के थ्रू आपको कई सारे ड्राइंग, ये देखिए ओवल शेप बनवाया, छोटी सी लाइन करवाई, इसको फिर से ओवल शेप से कवरिंग से पैक करना है, हल्का सा अंदर लेना है, ये सब स्टिल लाइफ के लिए बहुत काम आता है, इसको पैक किया हल्का, इसको ये देखिए बॉक्स बन गया, ठीक है। इसको शेडिंग भी कर सकते हैं आप लोग, अंदर साइड में इधर से शेडिंग रहेगी, इधर से इधर रहेगी, इस टाइप से आप इसको ओवल शेप से डिफरेंट शेप कर सकते हैं, ओवल शेप की थालियाँ बन सकती, बिग बिग ओवल शेप बनाया, हल्का सा आपने लाइन खींचा, पैक किया, ये देखिए थाली बन गई, इसके अंदर आप छोटी छोटी कटोरियाँ रख सकते हैं, ये देखिए इस टाइप से छोटी छोटी कटोरियाँ रख सकते हैं ओवल शेप के थ्रू, ये वाली हाफ दिखेगी क्योंकि हाफ आपकी अंदर चली गई है। यहाँ पे आप ओवल शेप की पूड़ियाँ बना दीजिए, ओवल शेप के पूड़ी, ओवल शेप में आपके बेंदू वड़ा, ओवल शेप में इडली, ओवल शेप का बहुत ही यूज़ है, ठीक है। थैंक यू आज की वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप लोग, छोटे छोटे बच्चों को सब ड्राइंग दीजिए क्योंकि अभी हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में सब में ड्राइंग लगती है, हल्का हल्का हाथ से शेडिंग भी करा सकते हैं बच्चों से, बहुत ज़्यादा पैसे को प्रेस नहीं करना है, इधर से स्टेज इधर से होगा, इधर लाइट होगा, इधर को डार्क रहेगा नीचे साइड में, ठीक है। थैंक यू।